हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था और अब कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है जिसके चलते आपको अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप एक बार सही से सोचिए कि क्या आपको इस डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों फिर भी जवाब आता है कि हाँ नहीं पड़ेगी, मुझे डीमैट अकाउंट क्लोज करना है, तो दोस्तों आप उस डीमैट अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी से एक साल पहले, छः महीने पहले कुछ लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस कंपनी में मुझे फिर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, मतलब कि जो क्लोज कर दिया था उसको रीओपन करना है, तो सर हो नहीं रहा, इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है तो आप उसको रीओपन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एंजल वन, अगर आप कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है तो आप उसको रीओपन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रो, अगर आप कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है तो आप उसको रीओपन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपने एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है तो दोस्तों एंजल वन में क्या एएमसी चार्ज लगते थे, तो एएमसी चार्ज के चलते अभी आपको अगर एक दो साल जरूरत नहीं है तो दोस्तों वो आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एएमसी चार्ज लगना बंद होते ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंजल वन में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करवा देते हैं तो आपको 90 दिन का समय बिताना होगा, 90 दिन बाद आप उसको रीओपन कर सकते हैं, 90 दिन से पहले आप उसको रीओपन नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आप लिंक पे जाके क्लिक करें या फिर एप्लीकेशन से जाके अपना अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों होगा क्या, जब आप अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से एरर मिल सकती हैं, जैसे कि अगर आपने पहले जो ईमेल आईडी लगाई थी या फिर पहले जो मोबाइल नंबर लगाया था अगर आप उसी को दोबारा से डालोगे तो दोस्तों आपको ए एरर देखने के लिए मिलता है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या फिर दोस्तों आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको एरर दे देगी पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको एंजल वन कस्टमर केयर के लिए कॉल करना है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों अभी मुझे सही याद नहीं है कि उस अकाउंट को 90 दिन हो गए थे या फिर नहीं हो गए थे, बट ऐसा केस एक मेरे लिंक से एक भाई ने किया था, ठीक है, तो उसमें भी आया था, उनका रीओपन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप कस्टमर केयर वगैरह के लिए कॉल कर लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद मुझे फिर उतना याद नहीं रहा। तो दोस्तों ये चीज़ है, अगर आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करवा देती हैं तो आपको 90 दिन का समय बिताना है, उसको रीओपन कर सकती हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं ग्रो एप्लीकेशन की, दोस्तों ग्रो में एएमसी चार्ज लगती नहीं है तो आप उस डीमैट अकाउंट को बंद करवा क्यों रहे हैं। तो दोस्तों ग्रो में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बंद करवा देते हैं तो उसमें रीओपन नहीं कर सकते, ग्रो वाले बोलते हैं कि एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही बार अकाउंट ओपन होगा। तो दोस्तों ग्रो में अगर आपने अकाउंट क्लोज करवा दिया है तो उसको आप रीओपन नहीं कर सकते, अगर आपको ग्रो में ही फिर भी ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप ग्रो में किसी फैमिली मेंबर के नाम से दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी मम्मी के नाम से कर लूँ, मम्मी तो ट्रेड करती नहीं है लेकिन क्या है उनके अकाउंट को मैं हैंडल करता रहूँगा, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों एक पैन कार्ड से ग्रो में एक ही बार अकाउंट ओपन होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो तो लाइक करना पड़ेगा क्योंकि आपको पसंद आया है, और अगर इसी तरीके से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।